नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पांच की आंच आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने गौ सेवा की, गायों को पीएम ने चारा खिलाया और अपने आवास पर गायों को चारा खिलाते हुए तस्वीर सामने आई है। दरअसल आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर गायों की सेवा करने की भी परंपरा भी रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री का भी ये गौ प्रेम जो है वो यहाँ पर नजर आया। पीएम आवास में प्रधानमंत्री ने गौ सेवा की गायों को चारा खिलाया, उन्हें दुलार करते हुए प्रधानमंत्री की यह तस्वीर जो है अब सामने आई है। मकर संक्रांति का पर्व है, जब दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं सूर्य नारायण, और इस पर्व पर दान करने की परंपरा रही है और गायों को चारा खिलाने की भी एक परंपरा मानी जाती है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये गाय भी आप देख सकते हैं, ये गाय भी बेहद खास गाय है जो केवल कर्नाटक के एक खास स्थान पर पाई जाती है और वो छोटी छोटी गैया जो है उसकी सेवा करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री गायों को, छोटी छोटी जो गैया हैं उनको प्यार करते हुए, उन्हें चारे खिलाते हुए नजर आए। और बहुत ही सुंदर ये तस्वीर, जो छोटी गाय है जिन्हें कामधेनु भी कहा जाता है, और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं ये आज की ताज़ा तरीन तस्वीर निकल कर सामने आई है। अब कुछ वक्त पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौ सेवा करते हुए नजर आए, चारा खिलाते हुए नजर आए, क्योंकि मकर संक्रांति है और आज का दिन बेहद ही खास, जो परंपरा है वो निभाते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो बेहद शुभ दिन है और शुभ दिन पर शुभ कार्य किए जाने चाहिए और आज के दिन दान की परंपरा रही है, गायों को चारा खिलाने और भोजन कराने की भी परंपरा रही है और वही परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर नजर आए। इसके पहले भी जीव जंतुओं से प्रधानमंत्री का प्रेम जो है वो हम अक्सर देखते रहे हैं, चाहे वो उनका रायपुर का दौरा हो जब वे वहाँ पर बाघ की तस्वीर ले रहे थे और बाघ बेहद उनके करीब आ गया था, तस्वीर आपको याद होगी, या फिर प्रधानमंत्री आवास में ही मोर को अपने हाथ से दाना चुगाने की बात। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, और लगातार ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं जब जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और साथ ही जो एक भाव होता है वो साफ तौर पर पीएम का नजर आता है। और जब कामधेनु को बेचारा खिला रहे थे और आप देखेंगे छोटी छोटी जो गईं हैं उनके आसपास घूमती हुई नजर आई। मकर संक्रांति के खास मौके पर बहुत ही शुभ माना जाता है कि आप गाय की गौ सेवा करें और गाय को चारा खिलाएं। और अब बात करेंगे भोपाल से अहम खबर की, जहां पूर्व सीएम उमा भारती का भावुक बयान सामने आया। समर्थकों से अंतिम बार मिल रही हूं, उमा भारती ने कहा, और ये भी कहा कि 17 से 22 जनवरी तक वे अयोध्या में ही रहने वाली हैं, 22 जनवरी के बाद अपने गांव जाऊंगी, मुझे लग रहा है कि शायद सबसे अंतिम विदा ले रही हूं। ये बहुत बड़ा बयान उमा भारती का, समर्थकों का घर बुलाकर उन्होंने सम्मान भी किया है और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आप। तो पूर्व सीएम उमा भारती का ये बयान काफी चौंकाने वाला भी है, क्योंकि जिस तरीके से वे भावुक होकर बात कह रही हैं, उनका ये कहना है कि मुझे लग रहा है शायद सबसे अंतिम वक्त है। और उमा भारती ने अपने समर्थकों से बातचीत की, और इस तरीके से उमा भारती का जो भावुक बयान सामने आया है वाकई में थोड़ा चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला है, लेकिन क्या उनके बात का मर्म है, क्या इसके पीछे है, जानते हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। शैलेंद्र, अगर उमा भारती ये कह रही हैं कि समर्थकों से अंतिम बार मिल रही हूं, पहले अयोध्या जाऊंगी और उसके बाद गांव चली जाऊंगी, क्या है इसके पीछे? देखिए, बिल्कुल अभी भी हम उमा भारती के बंगले पर ही मौजूद हैं और यहाँ पर अभी उन्होंने बयान अपने सभी उन लोगों को बुलाया था जो उनके समय उस आंदोलन के समय कार सेवा में मौजूद थे, और उस समय जितने भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने कार सेवा की थी उन सभी समर्थकों को भी अपने यहाँ पर बंगले पर बुलाया था, सबके साथ मुलाकात की। और जब वो यहाँ पर उनको अयोध्या के संस्मरण सुना रही थी, करीब सारे उन्होंने वो किस्से सुनाए, उन दिनों को याद किया, किस तरह से कार सेवा की थी, किस तरह से एक संघर्ष किया था और कैसे आज हम रामलला मंदिर तक पहुंचे हैं, ये सारे किस्से सुनाए। उसके साथ ही उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि ऐसा मुझे लग रहा है बड़ी भावुक होते हुए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अंतिम विदाई है। फिर उसके साथ ही उन्होंने वहां पर जो उनके खाना बनाने वाली या जो
वो लोग जो साए की तरह हमेशा उनके साथ रहते हैं, उस स्टाफ को सम्मान किया और भावुक रही होती हुई उनका सम्मान करते हुए कहा कि मुझे आज ऐसा फील हो रहा। फिर उसके साथ ही जब हमने भी ये सवाल पूछा उनसे कि ये अंतिम विदाई, तो बोले मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा भावुक आज मैं हुई हूँ। खुद वो कहीं और उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए अपने गाँव भी जा रही हूँ, आज गाँव भी अब जाऊँगी, कल उसके बाद अयोध्या जाऊँगी और उस दिन वहाँ जो भव्य रामलला मंदिर बन रहा है उसके दर्शन भी करूँगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ा मार्मिक ऐसा बोले, मुझे बड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्यों भावुक हुई, पर मुझे कुछ अच्छा ऐसा महसूस हो रहा है, इस तरह की बात आज उन्होंने कही। अभी भी वो बंगले पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से मिल रही है, समर्थकों से, और सबसे यही कह रही कि अब कब मुलाकात होगी देखते हैं। मतलब आज कहीं ना कहीं वो बड़ा मर्म, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बड़ा सपना उनका पूरा हो गया और राम मंदिर बन रहा है। और अब उन्होंने यही साथ बात भी कही कि अब राम मंदिर के बाद अब हमें अब राम राज्य की ओर जाना होगा, अब देश में राम राज्य भी लाना होगा। तो इस तरह की बातों के साथ ही वो बड़ी ही भावुक नजर आई आज। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। और बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब मंदिरों में सफाई अभियान की। श्री राम आ रहे हैं और अब जब भगवान फिर से अपनी जन्मभूमि लौट रहे हैं तो उनके आगमन पर देश में उत्साह है। और उत्साह ऐसा है कि त्योहार का माहौल है और त्योहार पर क्या होता है, हर तरफ तैयारियां चलती हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी की एक अपील के बाद शहर शहर सफाई अभियान की शुरुआत हो चुकी है। क्या है सफाई अभियान, इस अभियान से कौन कौन जुड़ा है, तो भगवान राम के आगमन को लेकर कैसी चल रही है तैयारियां, देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे घर में जब कोई आते हैं तो घरों को चमकाया जाता है, साफ सफाई की जाती है। अब सोचिए, इस बार तो कोई आ नहीं बल्कि खुद भगवान आ रहे हैं अपने जन्मभूमि अयोध्या, तो सोचिए तैयारियां कैसी होंगी। और हो भी क्यों ना, राम जो आ रहे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, एमपी हो या छत्तीसगढ़, दोनों प्रदेश के मुखिया के हाथों में झाड़ू है, साफ सफाई अभियान किया जा रहा है। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 14 जनवरी से 22 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थलों पर साफ सफाई का आह्वान किया है। फिर क्या, देश प्रदेश के कोने कोने में लोग साफ सफाई अभियान में जुट गए। ये दो प्रदेश के दो मुखिया की तस्वीर है, एक छत्तीसगढ़ के सीएम साए हैं तो दूसरे एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, दोनों राम के आगमन की तैयारी में जुटे हैं। इस अभियान में दोनों प्रदेश के सीएम जुटे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। 22 जनवरी तक हम लोग ऐसे धार्मिक स्थलों पर सफाई का काम करें और 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन पूरा वातावरण राममय हो जाए, रात को दिया जलाएं और विभिन्न तरीके से पूरा वातावरण राममय होना चाहिए, ऐसा आप सब लोग उपाय करेंगे। कहां कहां चला अभियान जानिए। सीएम विष्णुदेव ने की सफाई, रायपुर के श्री राम मंदिर में की सफाई, धार्मिक स्थलों पर सफाई अभियान, पीएम के आह्वान पर सफाई अभियान, उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का सफाई अभियान, राम जनार्दन मंदिर में लगाया झाड़ू। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान के बाद देश के साथ ही मध्य प्रदेश के मंदिरों में भी स्वच्छता अभियान जारी है। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की, उन्होंने 4 इमले स्थित हनुमान मंदिर में साफ सफाई की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं मेरे राम आए हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं कलयुग के सबसे बड़े राम भक्त से, जो पेशे से किसान हैं लेकिन इन्होंने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी है। खास बात यह है कि दोबारा लिखी इस रामायण का एक एक अक्षर सीता राम नाम से बना है। और इस अनोखे राम भक्त के घर के हर कोने पर
रामायण की, रामचरितमानस की चौपाइयां लिखी हुई हैं। केदार सिंह के परिवार में सभी के नाम भगवान के नाम से ही जुड़े हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। राम नाम पर नाम ते प्रीति प्रतीति भरोस, सो तुलसी सुमिरत सकल सगुन सुमंगल कोस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम नाम के परायण हैं, राम नाम में ही जिनका प्रेम विश्वास और भरोसा है, वो राम नाम का स्मरण करते ही समस्त सद्गुणों और श्रेष्ठ मंगलों का खजाना बन जाता है। इस दोहे को अपने जीवन में चरितार्थ किया है बैतूल के देवगांव निवासी किसान केदार सिंह पटेल ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम नाम लिखने के लिए समर्पित कर दिया। केदार पटेल ने वाल्मीकि रामायण दोबारा लिखी है, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस रामायण में लिखा एक एक अक्षर सीताराम नाम से बना हुआ है। अक्षर, मात्राएं, लकीरें और चित्र भी सीताराम नाम से बने हैं। साल 1997 में एक दोस्त से प्रेरणा लेकर केदार ने सीताराम लिखना शुरू किया। पहले सीताराम नाम से सैकड़ों पन्ने भर दिए, फिर सीताराम नाम के अक्षरों से 2 महीने में सुंदरकांड लिख दिया और फिर वाल्मीकि रामायण भी महज 6 साल में लिखकर पूरी कर दी, जिसका हर अक्षर सीताराम नाम से बना है। सबसे पहले हमने कहा राम नाम लिखे तो अक्षरों में लिखे, तो अक्षरों में लिखे तो भाई राम नाम में ये अपने सुंदरकांड पहले लिखे, तो सुंदरकांड लिखना शुरू किया, तो वो लगभग 2 महीने में कंप्लीट हो गया। 60 दोहे होते हैं इसके, तो 60 दिन में 60 दोहे लिख लिए। तो ऐसा लगा कि अब हनुमान जी हमसे पूरी रामायण लिखवाना चाहते हैं, तो फिर हमने बाद में बालकांड से चालू किया इसको, तो उसके बाद पूरी रामायण हुई। 6 साल लगे हमको लिखने में, पूरी रामायण लिखने में। कैसे लिखे आपने, क्या चीज़ें इस्तेमाल की इसमें? पहले तो इसको हम क्या कहते थे, कागज़ पे लाइनिंग करके और पेंसिल से उसका प्रोफार्मा बना लेते थे, चौपाई बना लेते थे पेंसिल से, और फिर उसके ऊपर पेन से उसको भर देते थे। राम नाम लिखते लिखते केदार पटेल अब बुढ़ापे की दहलीज तक आ चुके हैं, लेकिन राम नाम लिखना जारी है। आज इन्हें सबसे बड़ी खुशी ये है कि वो अपने आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बनता देख रहे हैं और राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। केदार को लगता है कि मानो करोड़ों बार उनका राम नाम लिखना सफल हो गया। राम नाम कलिकल्प तरु सकल सुमंगल कंद, सुमिरत करतल सिद्धि सब पग पग परमानंद। केदार सिंह पटेल के पूरे घर की दीवारों और कोनों पर रामायण की ऐसी ही चौपाइयां लिखी हुई हैं। साथ ही घर के हर सदस्य का नाम भगवान राम, श्री कृष्ण या किसी अन्य देवी देवता से जुड़ा है। केदार की पत्नी, बेटे, बहुएं, बेटी, दामाद, नाती, पोते सब राम भक्त हैं। परिवार को लगता है केदार पटेल के राम नाम लिखने से ही परिवार में खुशहाली है। ये कितना बड़ा इत्तेफाक है कि केदार पटेल जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम भी देवगांव है और देवगांव की धरा भी केदार पटेल जैसे राम भक्त को पाकर धन्य हो गई, जिन्होंने राम नाम लिखने का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जो किसी रिकॉर्ड बुक में हो या ना हो, लेकिन भगवान राम के प्रिय भक्तों में केदार पटेल का नाम भी जरूर शामिल हो गया होगा। तो वाकई केदार जी की भक्ति, राम भक्ति जो है वो बहुत अद्भुत है, और हमने देखा कि पूरी उन्होंने वाल्मीकि रामायण जो संस्कृत में है उसे पूरा राम नाम से सीताराम सीताराम करके उन्होंने लिखा है, चित्र भी उसी से तैयार किए हैं। वैसे इस समय पूरा देश राममय हो चुका है।
हर एक व्यक्ति को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। हर कोई रामलला के दर्शन के लिए आतुर है और ऐसे में वो भला क्यों ना उत्सुक हो जिनके गांव श्री राम रुके थे। 14 साल के वनवास के समय हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, जहां भगवान श्री राम वनवास के वक्त कई गांव में रुके थे और आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी बेहद करीब आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनके चेहरे भी खिल उठे हैं और हर कोई श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए बेसब्र हो रहा है, बेताब हो रहा है। वैसे भी तो कहा जाता है भगवान श्री राम का आदिवासियों के साथ पुराना नाता रहा है, वनवासी और आदिवासी, क्योंकि श्री राम को तो वनवासी कहा जाता है। क्या रहा है नाता और कहां कहां रुके थे श्री राम, भगवान श्री राम पर यह रिपोर्ट जरा देखिए। क्या कि जब भगवान 14 साल का वनवास काटी तो कुछ दिन यहाँ बिताई कि मैं अयोध्या तो जाऊंगा, जब ट्रेन आएगा ना तो मैं जाऊंगा। ये पुकार है एक भक्त की, ये ख्वाहिश है एक उपासक की, जो सालों से अपने भगवान से मिलना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। वो कहते हैं श्री राम मेरे प्रभु हैं, उनका हमसे पुराना नाता है, हमारे दिलों में वास करते हैं श्री राम। जब 14 साल के लिए वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने कुछ समय यहीं बिताया था। दरअसल सरगुजा के रामगढ़ पर्वत पर भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के समय कुछ दिन बिताए थे। रामगढ़ पर्वत पर आज भी उसके साक्ष्य मौजूद हैं, जिसे आज भी यहां के आदिवासी बैगा पूजा करते आ रहे हैं। 22 जनवरी को जब पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है, ऐसे में यहाँ के रहने वाले आदिवासी भी अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। एक बार दर्शन हो जाते तो नहीं आ पार हो जाते। हमारे रामगढ़ में हमारे राम भगवान रहिन, बसेरा भी करिन। सूरजपुर के ग्रामीण मजदूरी कर रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। आदिवासी ग्रामीणों का कहना है कि शासन अगर रामलला के दर्शन नहीं कराएगी तो वो खुद ही अयोध्या पहुंच जाएंगे, भले ही भीड़ ज्यादा हो लेकिन प्रभु श्री राम के दर्शन करके ही लौटेंगे। सुने तो रहे बना थे तो खुश हैं, जाएंगे देखने के लिए। कितने तारीख को पता है? 22 तारीख। ये भक्ति बताती है कि प्रभु श्री राम को क्यों आदिवासियों से लगाव था। शबरी के बारे में आपने सुना ही होगा, जो आदिवासी लड़की थी जिसे लोग अछूत मानते थे। भगवान राम एक दिन उनकी कुटिया में पहुंचे और शबरी के जूठी बेर खाए। अब आदिवासी नगरों में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाल रही है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। दंतेवाड़ा में ये उत्साह देखने लायक है, लोग जगह जगह भव्य कार्यक्रम की तैयारियां कर रहे हैं। जगदलपुर में अयोध्या से आए अक्षत और निमंत्रण पत्र को लेकर आदिवासी भी एक दूसरे को बुलाने के लिए निकल गए हैं। क्या शहर, क्या गली और क्या मोहल्ला, सभी जगहों में राम भक्त निकलकर लोगों को 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने निकल पड़े हैं। हाथों में प्रभु श्री राम के झंडे और हाथों में अक्षत लिए द्वार द्वार पहुंचकर अयोध्या का निमंत्रण दे रहे हैं। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, भगवान राम जी जो विराज रहे हैं राम मंदिर में, तो उसमें बढ़ चढ़कर दिवाली से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर हम पूजा पाठ करें और स्वागत करें, तैयारियां करें, तो इस टाइप का उनका सब चल रहा है। ग्रामीणों में ये उत्सव भव्य रूप से मनाएंगे। गांव हर व्यक्ति के मन में यही सोच है कि एक नया दीपावली आया है। आदिवासियों के प्रेम को देखकर ऐसा लगता है मानो गांव-गांव दीपावली का माहौल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और इसी के साथ 5 के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।